Bari bari din aaye. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. थैंक यू। आप लोगों ने इतने सारे बर्थडे विशेस भेजे मेल पे, इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन। लास्ट ब्लॉग का तो पूरा फुल हो चुका है हैप्पी बर्थडे के विशेस से, सो थैंक यू सो मच। मैं ट्राई करूँ कि सबको रिप्लाई करने का, बट मिस हो जाए तो ये वाला थैंक यू ले लेना। तो आज है मेरा बर्थडे, मैं उठी हूँ 6:30 अभी बज रहे हैं 6:45। येशा यहाँ पे उठ गई है और येशा किसी का भी बर्थडे हो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। हाँ, get to eat cake. Cake मिलता है खाने के लिए। What is birthday day? और यहाँ पे उठ गए हैं पति। Happy birthday. और केयूष अभी नहीं उठा है, ऊपर से आवाज लगा रहे हैं मम्मी। केयूष आ जाओ। और इंडिया से भी सारे फोन एंड ऑल सब स्टार्ट हो गया आना। और यहाँ पे ये होता है ना, 2 दिन सेलिब्रेट हो जाता है क्योंकि इंडिया में तो 25th ऑलरेडी हो चुका है कल इवनिंग से, तो कल से ही विशेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही विशेज आने स्टार्ट होते हैं फिर वो बर्थडे वाली फीलिंग तो आ ही जाती है। गुड मॉर्निंग। मेरा बर्थडे और हगी डैडी को, नॉट फेयर। कुछी क्या है मम्मा का? यू डोंट नो। Oh, surprise! Okay, don't tell her. No, I was saying to daddy. अच्छा, आज आपको नहीं बताना है मुझे कि आज मेरा बर्थडे है? तो चलिए अभी तो सुबह के रिचुअल्स करते हैं, इन लोगों को स्कूल एंड ऑल भेजते हैं, फिर दिन को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम जा रहे हैं स्कूल और वेदर काफी अच्छा है, ठंड तो है बट एटलीस्ट धूप निकली हुई है तो ये अच्छी बात है। खूबसूरत सी सुबह है मेरे बर्थडे की। लास्ट ईयर मुझे याद है संडे था तो सभी घर पे थे, तो बहुत मज़ा आया था, दिन भर हमने मॉल में घूमा एंड ऑल। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी लास्ट ईयर, बट चलो इस ईयर वेदर अच्छा है और अनुज छुट्टी नहीं ले सकते ना क्योंकि इंडिया जाना है, दैट्स वाई। बट कोई बात नहीं, इवनिंग में हम करेंगे फन टाइम और आफ्टरनून में मैं करूँगी एंजॉय मी टाइम। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मैं गई थी सेव ऑन फूड अपने लिए फ्लावर्स लेने। अब देखो बर्थडे मेरा है, फ्लावर्स मुझे पसंद है तो अपने आप को खुश करने की थोड़ी ड्यूटी तो अपनी भी बनती है ना, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं कर लेती हूँ अपने बर्थडे पे। और अभी चलते हैं घर, बहुत भूख लग रही है, पूजा भी करनी है, उसके लिए भी फ्लावर्स हो जाएंगे इसमें से। Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. थोड़ी देर मैं ऐसे ही मॉल में चक्कर लगा रही थी, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है उन्होंने क्रिसमस का। इनफैक्ट मुझे लगा बड़े वाले मॉल से इस मॉल में ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन है, और वो बच्चों के लिए एक नया प्ले एरिया भी बना रहे हैं, काफ़ी सारे राइड्स ऑन, छोटे छोटे राइड्स ऑन है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों के लिए। और क्रिसमस के टाइम पर इतने सारे इवेंट्स होते हैं ना यहाँ पे, वो पीजे मास्क कैरेक्टर है ना वो आने वाला है मॉल में, बट हम उस टाइम होंगे नहीं, तो ये शकेश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते अगर जा पाते। कल डिनर में मेथी के पराठे बनाए थे तो आटा थोड़ा सा रखा हुआ था, तो मैंने रात को ही सोचा था कि मैं अपने लिए वही मेथी के पराठे बना लूँगी, तो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और खाती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आज मैं अपने फेवरेट कप में चाय पीने वाली हूँ।
ब्रेकफास्ट डन है, अभी नहा लिया है मैंने, और ये वाला ट्यूनिक अगर आपको याद हो मैंने कॉस्को से लिया था, तो पहना नहीं था, नया ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो ये पहन लेते हैं। बहुत ही क्यूट है और बिल्कुल परफेक्टली फिट हुआ है, मैंने ट्राई भी नहीं किया था एक्चुअली लाने के बाद। ये है बर्थडे के मॉर्निंग का आउटफिट, ब्लैक स्लैक्स और ब्लू ट्यूनिक। मुझे इस तरह के ना ट्यूनिक ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, यहाँ पे थैंकफुली मिल गया तो मैंने एकदम से पिक कर लिया था कॉस्को से। आपको कैसा लगा मेरे बर्थडे के मॉर्निंग का आउटफिट ऑफ द डे बताना मुझे। अभी जा रही हूँ प्रसाद के लिए, खीर बनाऊंगी और फिर पूजा करूंगी, और बर्थडे पे तो खीर बनता ही बनता है, आप लोगों को पता ही है। मम्मी लोगों ने कलकत्ता में भी खूब पार्टी करी, उन्होंने भी फुल टू बर्थडे सेलिब्रेट किया, यम्मी यम्मी खाना बनाया है, खीर बनाया है, तो बस ऐसे ही होता है एवरी ईयर, वो बहाना चाहिए उनको सेलिब्रेट करने का, तो वो कर लेते हैं, और सही में करना भी चाहिए, हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेना चाहिए सेलिब्रेट करने का। तो चलो जल्दी से खीर बनाते हैं और फिर लंच की भी तैयारी करनी है, और मुझे पता है जब मैं बताऊंगी ना कि आज लंच में मैं क्या बना रही हूँ तो आप लोग बहुत हंसने वाले हो, बोलोगे सुची बर्थडे पे ऐसा लंच क्यों। बताती हूँ क्या बनाने वाली हूँ। मैं सुबह से सोच रही हूँ, एक बात पूछूंगी आप लोगों से। मैं मॉर्निंग में बर्थडे के दिन सबसे पहले उठ के अपने आप को विश करती हूँ, लाइक सारे गुड विशेस देती हूँ अपने आप को, और फिर भगवान जी से जाके आशीर्वाद लेती हूँ, और हमारी कुछ प्राइवेट बातें होती हैं वो करती हूँ। तो मुझे बताना कि आप लोगों में से कोई है जो अपने आप को बर्थडे विश करता है, क्योंकि मैं सही में जानना चाहती हूँ कि कोई है मेरे जैसा या फिर मैं एक अलग ही पीस हूँ। और आज मैं लंच में बना रही हूँ इडली और सांबर और नारियल की चटनी। पता है मुझे, आप बोलोगे सुची बर्थडे पे इडली सांबर क्यों, तो कुछ लोग मुझे जो जानते हैं उनको पता है कि इडली मेरा फेवरेट है, लाइक इडली डोसा इज वन ऑफ माय फेवरेट, और यहाँ पे मुझे ज़्यादा खाने को मिलता नहीं है। तो देखो रात को तो अब बाहर जाना है तो नॉन वेज खाएंगे, चिकन फिश, तो दिन में मैं नहीं बनाना चाहती थी। और वेज में अगर मेरा कुछ फेवरेट पूछो ना कि क्रेविंग हो रही हो कि ये खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हाथों का। हाँ, मम्मी के हाथों का तो मुझे नॉर्मल बंगाली सब्जियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट मुझे अपने हाथों का ऐसा कुछ भी नहीं है वेज में जो मुझे लगे कि यस मुझे तो ये खाना है, वो वाली फीलिंग नहीं आती। तो मैंने सैटरडे को ऐसे ही सोचा कि चलो इडली और सांभर बनाते हैं जो कि मेरा फेवरेट है, और बर्थडे के दिन वही खाना चाहिए जो आपका फेवरेट है, राइट? तो सांभर मैंने ऑलरेडी इंस्टेंट पॉट पे चढ़ा दिया था नहाने जाने से पहले, तो ऑलरेडी बॉयल हो चुका है, और मुझे बहुत सारी सब्जियां नहीं अच्छी लगती सांभर में, तो मैंने बस घिया डाला है, लौकी, और बस तड़का लगा दूंगी तो सांभर रेडी हो जाएगा। और नारियल की चटनी बनानी है, फ्रोजन कोकोनट नारियल श्रेडेड, ये वाला मैं लेके आती हूँ इंडियन स्टोर से, तो मैंने ये निकाल के रख दिया था कि डिफ्रॉस्ट हो जाए। काफ़ी अच्छा फर्मेंटेशन हो गया है, मैंने ओवन को थोड़ा सा गर्म करके और फिर उसके अंदर रख दिया था रात भर के लिए। छोटे होते ना बहुत ही ग्रैंड लंच होता था, जो बंगालीज होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। दिन में बनता था राइस, खीर, पांच तरह की भाजी, लाइक आलू, भिंडी, परवल, और भी एक दो सब्जियों की, बैगन, इसका सिर्फ फ्राई करके, और फिश फ्राई भी और फिश
तरी वाली भी, क्योंकि फिश बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, शुभ मानते हैं, तो कोई भी शुभ फेस्टिवल हो या फिर बर्थडे हो, एनिवर्सरीज हो, तो फिश ज़रूर बनता है। तो दिन में मैं स्कूल से आ जाती थी, लंच टाइम तक मैं वापस आ जाती थी, छुट्टी मैं कभी भी नहीं करती थी क्योंकि एक ही दिन मिलता था कलर ड्रेस में जाने का और फ्रेंड्स को चॉकलेट्स बांटने का, तो पूरे क्लास में चॉकलेट्स बांटती थी और जो बेस्ट फ्रेंड्स होती थी ना उनको 4 चॉकलेट्स देती थी, वो छोटे वाले चॉकलेट्स लेके जाती थी, आई थिंक एक्लेयर्स के जो छोटे छोटे आते थे ना वो वाले। तो मुझे बताना आप लोग भी ऐसा ही कुछ करते थे या नहीं। तो लंच में मैं वापस आ जाती थी, हाफ डे के लिए जाती थी और फिर प्रॉपर नीचे बिठा के पूजा होती थी, लाइक आरती करते थे मम्मी लोग, सब आशीर्वाद करते थे, फिर बैठ के आराम से 56 भोग खाना खाती थी। लाइक कितना भी खाऊं बट बनते बहुत तरह के डिशेस थे। और फिर इवनिंग में पार्टी होती थी, सारे फ्रेंड्स फैमिली और नेबर्स से सबको आता था, घर पे ही मम्मी केक बनाते थे, बहुत यम्मी केक बनाते मम्मी, और घर पे ही खाना बनता था। लाइक कोई भी चीज़, किसी ईयर में पाव भाजी बनता था, कभी डोसा सांभर बनता था, कभी फ्राइड राइस चिकन, ऐसे कुछ एक मेनू होता था और एवरी ईयर ऐसे, तो ऐसे सेलिब्रेट होता था। सिक्स्थ और सेवन्थ तक ऐसे सेलिब्रेट हुआ है, उसके बाद तो बस फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही कभी बाहर पार्टी कर लिया या फिर घर पे। आज सबसे पहले मैं खा रही हूँ मैं टेस्ट कर रही हूँ सबसे पहले। अच्छा यम्मी, बहुत अच्छा बना है। वेरी गुड और क्या, खुद की तारीफ खुद करनी चाहिए। ये क्या है? House है? पता नहीं, something house में बोल रहा है। It's foolish. Okay. It's falling. No, it's okay. It's not falling. What is this? Yesha. Oh, Yesha. This is Yesha. That's daddy. This is mommy. This is me. अच्छा. That's my whole family. Oh, that's all your family? Yes. इतने सारे लोग हैं आपके फैमिली में? हाँ भाई, हैप्पी होम फैमिली में तो इतने सारे लोग हैं। अभी 2:00 हो रहे हैं और मंडे को येशा जल्दी आ जाती है, तो वो आ चुकी है और थोड़ी देर येशा क्यूश अभी प्ले कर रहे हैं, उसके बाद मैं क्यूश को सुलाऊंगी और आराम से रिलैक्स करूंगी। बर्थडे के दिन मन करता है ना कि आप नॉर्मली तो डेली काम करते ही हैं, तो नॉर्मल रूटीन से हटके कुछ अलग सा करे, रिलैक्स करे। एंड आई थिंक हम मॉम्स के लिए ना अलग सा कुछ करना मतलब होता है कुछ नहीं करना। मुझे तो यही लगता है कि बस कुछ ना करो, रिलैक्स करो, बेड पे लेटे रहो, ऊपर से ठंड का वेदर और आज बहुत ज़्यादा ठंड होगी है बाहर और आने वाले डेज में माइनस में भी जाने वाला है टेम्परेचर, तो बहुत ठंड हो गई है। और आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सुची बर्थडे गिफ्ट क्या मिला, अनुज ने क्या दिया, तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ सरप्राइज का कोई सीन तो है नहीं, खुद ही जाके लेना है। और पता है मुझे यही लगता है कि जस्ट बर्थडे है इसीलिए कुछ लेना है, फॉर द सेक ऑफ इट लेने का कोई पॉइंट नहीं है। अभी मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और वैसे भी मैं इंडिया जा रही हूँ तो मेरी लंबी शॉपिंग लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। और पता है आप लोग भी, बहुत लोगों का कॉमेंट आता है कि सुची मुझे भी सरप्राइज नहीं मिलता, गिफ्ट नहीं मिलता, तो I can understand, like आज से 9 साल 10 साल पहले की सुची भी इस बात से बड़ा उदास हो जाती थी। और पता है हमारी गलती नहीं है, ये बॉलीवुड मूवीज़ जो है ना, जो रोमांटिक मूवीज़ होती हैं, यही हमारा दिमाग ख़राब करती है। हमें लगता है हमारा हस्बैंड, हमारा बॉयफ्रेंड तो बस शाहरुख खान ही है बट ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं, बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे भी हैं जो गिफ्ट देते हैं, सरप्राइज देते हैं, बट पॉइंट नहीं है ना कंपेयर करने का। और मैंने यही सीखा है कि
कुछ चीज़ें ना एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. हम भी परफेक्ट नहीं होते, हमसे भी तो हो सकता है हमारे हस्बैंड्स काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हो जो हम पूरा नहीं कर सकते. तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमारी हर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे. तो 10 साल 11 साल साथ रहने के बाद ना, आई थिंक मेरे लिए तो यही है, यही इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई आपके साथ आपके हर दुख सुख में साथ में है ना, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है. अगर आप उदास हो, रोने के लिए कोई कंधा है आपके पास, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है. वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है. ये सरप्राइज गिफ्ट्स प्रेजेंट्स ये सब तो चलते रहेंगे यार. मैं ये नहीं बोलती कि नहीं नहीं मैं तो बहुत महान हूँ, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गई हूँ, बिल्कुल नहीं. मुझे मेरे साथ भी अगर मुझे भी कोई सरप्राइज़ देगा तो मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा. बट अगर नहीं है तो क्या करें, रो के सैड हो के अपने ही लाइफ के एक स्पेशल डे को वेस्ट कर दे क्यों? आपको जो चाहिए ना अपने लिए, आपको जो लगता है कि कोई हमारे लिए करता तो बहुत अच्छा लगता, वो अपने लिए करो, करके देखो. मैं भी पहले ऐसी थी, मैं उदास हो जाती थी कि अरे मेरे लिए तो किसी ने कुछ किया ही नहीं. फिर मैंने वो सारी चीज़ें अपने लिए खुद करना स्टार्ट कर दिया और यकीन मानो बहुत अच्छा लगता है अपने लिए कुछ करके. अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ करके आपको खुशी मिल सकती है तो करो, बिंदास करो और खुश रहो यार. साल में एक दो दिन ही तो ऐसे स्पेशल होते हैं, बर्थडे एनिवर्सरीज, तो क्यों सैड होना, क्यों पढ़ना इन सारे झंझट में कि सरप्राइज नहीं मिला, गिफ्ट नहीं मिला. छोड़ो यार, चलता रहता है, जिंदगी है, कहाँ सब कुछ पूरा हो पाता है ना. इवनिंग के 5 o'clock हो रहे हैं, अनुज आ गए हैं, हम रेडी होके बस बाहर निकल रहे हैं. कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कोई प्लान नहीं है. और इस बार ही थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, केक हम बाद में कट करेंगे, डिनर हम पहले करेंगे. पता नहीं क्या होने वाला, जैसे जैसा होगा मैं बता दूंगी आप लोगों को. और मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये वाला हेयर बैंड लगाया. आप लोगों को मेरा ये वाला लुक बहुत अच्छा लगा तो मुझे भी एक्चुअली अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट, इसलिए मैंने लगा लिया. और ये है मेरा आउटफिट ऑफ द इवनिंग, वाइट स्वेटर और ये लॉन्ग कोट विद जीन्स जो मैंने इस बार ही लिया था ओल्ड डेवी से. मुझे तो ये कोट बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कोजी कोजी है, वॉर्म सा और थोड़ा स्टाइलिश भी है. और मेरे पास ऐसा कुछ पहले कभी भी नहीं था इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा. हाँ जी, चलो कहाँ लेके जा रहे हो? इंडियन, एज यूजुअल हम इंडियन ही खाएंगे. तो देखते हैं एक दो इंडियन रेस्टोरेंट, उसी में से किसी में जाएंगे. बस केक का है अभी, एक बहुत ही अच्छा बेकरी शॉप है यहाँ पे ननाइमो बेकरी, वो बंद हो गया है, वो 5:30 बंद हो जाता है तो वो नहीं हो पाएगा. तो देखते हैं कहीं और से कुछ लेंगे. मेरा वो बड़ा वाला केक लेने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि नेक्स्ट डे तक वो चलता नहीं है और फिर वो वेस्ट हो जाता है. देखती हूँ कोई छोटा सा केक लेंगे या फिर पेस्ट्री टाइप्स कुछ लेंगे. सेवन फूड में भी मिलती है छोटे छोटे कप केक्स. निकालना स्टार्ट कर देते हैं, क्या मिलता है एंड ऑफ द डे. हाँ ये तो इसको लेना ही लेना है, इसका फेवरेट. ये ऐसे वाले कपकेक्स ही ले लो, ये सबसे ज्यादा यम्मी लगते हैं. हाँ ये भी अच्छा है वैसे. दिस इज व्हाट रेड वेलवेट केक, दिस इज ब्लैक फॉरेस्ट बट ये बहुत बिग है. अच्छा इधर भी है. एनी कैंडल यू वॉन्ट, नहीं पिंक, ओके पिंक, चलो पिंक. It's good, Kayush. चले, केक हो गया, टू टू केक्स लिए हमने डिफरेंट फ्लेवर्स के और अब जाएंगे खाना खाना. Oh.
और इस वाले स्टोर में ना चारों तरफ एलिफेंट के स्टैचूज रखे हुए हैं, तो हम जितनी बार भी आते हैं ना तो केयूष येशा को बहुत पसंद है। और इसको क्या बोलते हैं केयूष, इस शॉप का नाम क्या है? एलिफेंट स्टोर। एलिफेंट स्टोर। ओके। But I just squeak. सारी कहानियां सुना दी उसने कि पहले ये स्क्रीम कर रहा था, फिर मम्मा ने बोला कि ओके ले लो। खूब सारा खाना ऑर्डर कर दिया हमने, तंदूरी चिकन, यहाँ का तंदूरी चिकन बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। और आप भी ब्लॉग देखते हो, सब्सक्राइब किया आपने? ओहो फिर तो हैप्पी होम फैमिली की मेंबर हो गए आप। बहुत अच्छे होते हैं, लाइक मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। सुबह टाइम नहीं होता बट रात को जरूर देख के ना सोती हूं। ओह स्वीट ऑफ यू। उसने मुझे बताया था। अच्छा आप बस में मुझे मिले थे मेरी फ्रेंड के साथ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खाना पचाना पड़ेगा, इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया था हमने। ये भी खा लो वो भी खा लो, बट कितना खा लो, खूब सारा पैक करना पड़ा, फिर भी लग रहा है टम्मी बिल्कुल फुल है। और ये देखो ये दोनों केक लेके बैठ गए। रुक जा। और सब मुझसे पूछ रहे हैं कि अनुज ने क्या दिया गिफ्ट। हमेशा की तरह आश्वासन। आश्वासन इतना भारी भरकम गिफ्ट। देखा ऐसा कोई गिफ्ट देता नहीं देता ना। चलो देखो बर्थडे के दिन गिफ्ट ना लेने का ना बहुत बड़ा फायदा है। ब्लैकमेल करते रहो और फिर डबल ट्रिपल कॉस्ट का मतलब, गिफ्ट लो इंडिया जाके। मतलब बंदे को ना गिल्टी वो फील करवाओ कि अच्छा मैंने नहीं किया, अच्छा ले ले यार तू खुश रह, तू शांत रह, तू चुप हो जा। सीखो दोस्तों सीखो, ये ट्रिक है पति से एक्सपेंसिव चीजें लेने का। मैं जल्दी से केक कट करूं नहीं तो पहले ही खत्म हो जाएगा। Me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Happy birthday to me. ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये है रास्पबेरी चीज केक। ओके रास्पबेरी क्रीम चीज केक, ये आप लोगों के लिए। यम्मी यम्मी बाइट, खा लो। गुड बर्थडे थैंक यू एवरीवन। कैन वी गेट द सेम केक ऑन माय बर्थडे प्लीज? हां ठीक है, अभी बहुत टाइम। गुड आईडिया इट्स द सेम केक एवरी
चलो फिर हमारा बर्थडे नहीं हमारा बर्थडे नहीं मेरा बर्थडे नहीं हमारा ही बोलो आपके साथ में बहुत लोगों का बर्थडे है एक्चुअली बहुत लोगों का मैसेज आया है कि आप लोगों का भी बर्थडे है तो चलो हम सब का बर्थडे फिनिश होने वाला नहीं अभी बहुत टाइम है 8:00 हो रहे हैं बट चलिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं होप आप लोगों ने हम सबके साथ ये बर्थडे सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेशन एंजॉय किया होगा तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो जल्दी जल्दी और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी तब तक आप अपना ध्यान रखिए खुश रहिए कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज Keep making lots of memories. Bye-bye. Bye-bye. Daddy, bye. Daddy, safai kar. Daddy, safai kar. Hey, don't break. Bye. I'm thinking you were made for me. It's not my birthday yet, 'cause I gotta say you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby.